आप लोगों को पक्के मकान नहीं मिले? जो मोदी जी आवाज देते हैं, आप लोगों ने कहीं अप्लाई किया, कहीं कोशिश की कि मिले? बहुत लोग फॉर्म भर भर दिए, कुछ नहीं। फॉर्म भरा है? कितना लोग दिए, कितना लोग नहीं दिए? आप लोगों ने फॉर्म भरे? नहीं मिला। प्रभावती देवी नाम हमारा। कब भरा था फॉर्म? अरे हो गया, दो साल हो गया भरे। भरे थे, अब ला कर हमको कागज भी दिए, मकान नंबर पे उसमें है, सब कुछ है, इलाज भी है, मगर वो कचहरे उसमें नहीं दिए है, क्या बोलते हैं, नगर निगम में वो नहीं दिए है। क्या बोले? हम वहाँ पर लेकर गए चेक कराने, तो बोल रहे हैं कि ये आपका जो भी भरा है ये फर्जी है। अच्छा, वो पैसा लेके खा गया आपका, हमसे पैसा भी लिया था, 900 रुपया लिया था। अच्छा। बोला कि आपको घर मिलेगा यहाँ, अरे बेडरूम के पास मिलेगा घर। अच्छा। नहीं दिया। हम लेकर गए, वो पेपर लेकर गए वहाँ पे नगर निगम, तो वो बोले कि यहाँ पे आपका नाम पता कुछ नहीं है, ये आपका दुकान से भरवाया है, आपका पैसा लेके खा। क्या करे, जैसे प्रधानमंत्री आवास वगैरह है जो पैसा 2.5 लाख रुपया आता है, उस ये कॉलोनी वाला आप बता रही है फार्म की, जो प्रधानमंत्री आवास मिलता है 2.5 लाख रुपए मिलते हैं? नहीं नहीं, जो घर बनवाने दे रहे हैं, जो आवास वाला, वो उसका बात कर रहे हैं। हम आपको पेपर दिखाए लेकर। तो चुनाव जैसे अब है, चुनाव चल रहे हैं, ये पोस्टर यहाँ लगा हुआ है, फट गया है, चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। आए आप लोग बीच क्या प्रचार करने? कल आए थे लोग। कल आए थे, क्या इनका क्या माहौल है? वो भी तो बोला था मकान हमको दादा की जायदाद होगी तो हम लोग घर बनवा कर देंगे। अच्छा, बोल रहे हैं सब लोग, तो कह के चले जाते हैं और दिया जाता है, बुला जाता है, गरीब मन के देखा ही नहीं आता। क्या नाम दीदी आपका? क्या आपका नाम क्या है? कब से रह रही हैं यहाँ पे? अरे खांजा तब से था, तभी हम लोग तब से यहाँ पे है। तो जैसे अब चुनाव है तो आप लोग के बीच कोई नेता है हैं कोई पार्टी के? यहाँ से आप लोग के विधायक, विधानसभा चुनाव तो योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा से है? विधानसभा कौन सी लगती है? जहर लगती है, जहर विधानसभा होगी। कैसा काम है उनका है? आगे आइए, काम तो यहाँ ठीक ही है। काम ठीक है, पर आप लोग के लिए क्या काम हुआ है? हम लोग के लिए कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हुआ नहीं कुछ, हम लोग कुछ नहीं हुआ, बाबू कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो भी नहीं लगवाए, जीत गए, कुछ किए हम लोग, जाने पर दरवाजे में करे कोई है ही नहीं, घर के आदमी लोग आते हैं सब, दीदी के चले जाते, कोई बनाता नहीं है, कुछ हम लोग लगाते पीने के पानी के लिए, हम लोग कुछ नहीं रखा, फोटो खींचा जाला। कौन कौन आया, फोटो खींचा गया? बहुत लोग आए थे, 75 लोग आए, 75 लोग गए, क्या है करवाएंगे, और करवाएंगे, लेकिन कोई कुछ करवाया नहीं दिया। आज तक काम निकल जाता है, जाए बोला ये भैया बटे नहीं नहीं बटे, अगले साल पार्षद हम लोग कहाँ हैं, कोई सुनते नहीं है हम लोग का बात। क्या नाम पार्षद का? राम राम नाम है। क्या बोलते हैं? अब क्या भैया, वोटिंग आता है, वोट लेते हैं, आदमी पा लोग वोट मतलब खत्म हो जाता है। आप सब लोग के वोट यहीं पे है? हाँ सब, हम लोग आप चुनाव चल रहे पता है आप लोग के? नहीं, कौन सा चुनाव है, कौन वाला चुनाव है पता है? विधानसभा का प्रत्याशी पता है कौन कौन है? कौन कौन है बताइए आप लोग, जो यहाँ पर चर्चा में है कौन कौन लोग हैं? है पेपर पढ़ते हैं भैया। अच्छा, क्या बताइए कौन कौन, किसका नाम लिया जाए? प्रत्याशी कौन कौन है, किस पार्टी से? अरे भाजपा से भी है, सपा से भी है, बहुजन समाज पार्टी से है, सब लोग तो है। आप लोग का जैसे यहाँ पर जिला का है, बहुजन समाज पार्टी क्या है यहाँ पर? सपा का चल रहा ज्यादा, क्यों ऐसा क्यों?
कहने का मतलब उल्लू के राज में नौकरी मिलता है। उल्लू के राज में नौकरी मिलता है गरीबों का, गरीबों का भी, गरीबों को नौकरी नहीं मिलती, भाजपा की सरकार में नौकरी नहीं मिलता। अच्छा, कितना पढ़े लिखे हैं आप? कितना पढ़े? अरे पढ़ लिख के एम ए बी ए करके लोग योगी मोदी कहे हैं कि वो फ्लॉप हो गया है, जो हमारे राज में पढ़ेगा उनको नौकरी दिया जाएगा। अच्छा ऐसा है, आपने पढ़ाई की है? है? आपने पढ़ाई लिखाई की है? कितना कितना पढ़े? इंटर पास है। कभी नौकरी कोशिश की, कभी कहीं नौकरी मिले? कहाँ पे? अभी क्या करते हैं? अभी सर प्राइवेट नौकरी हम लोग करते हैं, प्राइवेट ही नौकरी करते हैं हम लोग। प्राइवेट नौकरी करते हैं, 7,000 मिलता है। कहाँ पे? वही सफाई झाड़ू पूरा नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम वही काम करते हैं। आप लोग और किस तरह का रोजगार, किस तरह की नौकरी चाहते हैं? हम लोगों का सुबह ही हो जाए। अब देखिए, कहने का मतलब था बाबा का, जब सरकार हुआ, बाबा का सरकार हुआ, अखिलेश ने संविदा पर नौकरी देने का, उनका तो एकदम कन्फर्म था कि वो अखिलेश जीते होते तो हम लोग की संविदा की नौकरी हो गई होती। उनका सरकार ख़त्म हो गया, भाजपा सरकार आ गया, भाजपा के सरकार में नौकरी। देखिए अखिलेश ने जितने टेली बेच के थे सब उनको सरकारी कर करके वो हारे, तो जितने 40 साल 35 साल करके वो लोग, उन लोग को सरकारी करके गए, वो सरकारी हो गए। फिर उसके बाद हम लोग को संविदा पर आश्वासन हुआ कि फार्म भरे, हम लोग सब कुछ हुआ, उसके बाद बाबा का सरकार है, खत्म हो गया। जैसे बाबा योगी मोदी ये लोग तो कहते हैं भाई गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, सब काम करता हम लोग मिला होता मकान बहुत साल से, बहुत साल से कोई चिंता नहीं है, 18 साल से हो गया हमको आए दिन बच्चे 18-19 साल। देखिए भैया प्रधानमंत्री आवास योजना ये भर के दिया था आपने? हाँ, हमको भर के मिला था, पैसा भी लिए थे। अब बोले कि आपको घर आएंगे, सर्वे करने आएंगे, चेक करने आएंगे, फिर आपको चाबी मिलेगा, आप जाके रहिएगा। कितना दिन तक हम इंतजार किए, जब कोई नहीं आया तो हम गए वहाँ पे ऑफिस पे। योगी जी के राज में दो चीज की सुविधा था, बताइए, गुंडागर्दी और लाइट की सुविधा, ये हम लोग को बहुत अच्छा लगा। लाइट और गुंडागर्दी, गुंडागर्दी क्या पहले होती थी? मतलब पहले सपा का सरकार, किसी का सरकार था तो कहने का मतलब कानून व्यवस्था भी नहीं सही था, अब व्यवस्था सही है, ऐसा कोई किसी को प्रताड़ित नहीं करता है। दूसरी बात, लाइन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, आर्मी लाइट आती है पूरे घर, बस मुश्किल से अभी पंखा बंद नहीं होता तभी लाइट आ जाती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं लाइट ठीक है और लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था ठीक है, मगर यहाँ आप लोग का आवास, शौचालय, ये सब का पैसा नहीं है? आज तक नहीं मिला। आप लोग कभी गए हैं? अरे नगर निगम में बहुत हम लोग दौड़ा गया, कभी ऐसा नहीं कि आप लोग इकट्ठा हुए और गए मंत्री जी से मिलने, योगी जी से मिलने, उनसे शिकायत करने गए आप लोग कभी? नहीं, वहाँ पावर रहना चाहिए किसी मिलने के लिए, ना जाने पहले लोग किसी के थ्रू कैसे कोई जाएगा ये बताइए। अब मान लीजिए डायरेक्ट किसी से, बाबा से तो मिल नहीं सकते हैं, पहले वो सांसद थे तो मिल लेता था आदमी, मुख्यमंत्री हो गए तो कोई मिल नहीं सकता उनसे। यहाँ भी आते हैं गुरुद्वारे में हमेशा, योगी जी बाबा जी आते हैं, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि जाएं उनसे मिलें, अपना जो भी परेशानी है कहें, मिल नहीं पाते, मिल ही नहीं पाते हैं, कोई मिलने नहीं दे रहा है, उनके से मिलने ही नहीं देता है। आप लोगों ने कोशिश की? हम लोग कोशिश की, आते हैं हम लोग गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे की तरफ आते हैं ना, हम लोग उधर ही काम करते हैं, झाड़ू पोछे का ना, हम लोग वहीं पर काम करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं मगर कोई मिलने नहीं देता है, अभी उनके साथ रहते हैं, पुलिस वुलिस वो सब जाने नहीं देते, उनसे मिलने नहीं देते, क्या करें। जैसे अब चुनाव चल रहे हैं भाई, वोट वोट देने की बारी है, तो क्या देखकर वोट देती हैं आप लोग? अब देखिए वोटर खराब ना हो, हम लोग वोट नुकसान नहीं करते हैं, वोट तो देना ही देना है, चाहे कोई हम लोग को मदद करे, हम लोग को देखिए अपना कमाना है अपना खाना है, बस ये हम लोग जानते हैं। ये बात किसी का सरकार आएगा हमको खाने का नहीं देगा, नौकरी करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं नौकरी करेंगे तो नहीं पैसा मिलेगा, बस तो किसी की बात है, खाने का तो कोई नहीं देगा। क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? मतलब ये है कि गरीबों की नौकरी होना चाहिए, और कहने का मतलब ये है कि अच्छा हर चीज़ हो, बस यही आदमी सोचता है और कुछ नहीं। नाली इतना गंदगी है,
क्या जिसे क्या किए हैं हम लोग तो मंत्री जी बताए कुछ नहीं नहीं बनवाए टोटी लगवाए राशन वगैरह क्या है राशन कुछ दो साल हो गया हम लोग को नहीं मिला राशन मिलता है ये क्यों दो साल से हमारा राशन नहीं मिल रहा है हम वो लाइन भरे भी थे फिर भी वो लोग नहीं राशन कार्ड बना आपका हाँ बना राशन कार्ड था क्यों नहीं मिल रहा राशन कार्ड मिला जैसे अंगूठा लगता है इधर आ जाइए इधर इधर बर्तन धो अब अंगूठा लगता है अब तो जब नहीं लग रहा दो महीने से नहीं लगा हम लोग बस कर नाम तुमका कट गया हमारा तो ये था कि हमारे बच्चों का आधार नहीं था हमको बनवाने में टाइम लग गया राशन हमको देना बंद कर दिए थे सब कह रहे कि आपका बच्चों का आधार लगेगा तब राशन मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा उसके बाद बंद कर दिए यही है नहीं आज महीने में दो हाली मिलता है फिर भी नहीं मिलता है राशन कार्ड हम गए थे बनवाए थे हम सप्लाई ऑफिस भी गए थे वो बोले कि जाइए बाहर भरिए वो ऑनलाइन तो आपका चालू हो जाएगा ऑनलाइन भरवाए पैसा भी दिए तो कह रहे कि नहीं अब अभी आपका चालू नहीं होगा आय प्रमाण पत्र मांग रहे हैं आय प्रमाण पत्र बनवाने में भी टाइम लगेगा क्या करें कागजी कार्रवाई बहुत होती है अब हम लोग गरीब आदमी पढ़े लिखे नहीं है बाबू हम लोग गंवार आदमी जैसे लोग कहते तो करते हम लोग अब कह रहे आए रहेगा तभी राशन कार्ड बनेगा वो भी इलेक्शन के बाद बनेगा तो क्या करें हम लोग क्या करें वही जो कमाते हैं वही अपना खरीदते हैं हम लोग इधर भी 400-500 वोट हैं बस हम लोग वोट दे देते हैं हम लोग ये नहीं जो जीत रहा है उसे जिताते हैं जो हारता है उसे हराते हैं कैसे पता चलता है कौन जीत रहा है पता कैसे चलता है आप लोगों को कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इस समय देखिए ज़्यादा इस समय ज़्यादा सपा का चल रहा है भाजपा देखिए वोट तो हम लोग बाबा के ही देंगे तो कहने का मतलब है बाबा तो हर चीज़ हम लोग भाई हम लोग के बगल गिर हम लोग के रहने वाले हैं हम लोग के बंद नहीं हो गए पनिया बंद हो गए चार पाँच साल चलता नहीं होता पानी ये जो चुनाव लड़ने आए चंद्रशेखर रावण चंद्रशेखर आजाद इनका क्या मामला है कैसे लड़ रहे हैं चुनाव उन सबको उन सबको कौन देगा उनको वोट कोई नहीं देगा जीतने के बाद सब भूल जाते हैं जीतने के बाद सब भूल जाते हैं दिलासा सब देता है बाकी करता कोई कुछ नहीं है अच्छा हम लोग चंद्रशेखर को जानते ही नहीं है सब जीतते हैं हम लोग इतना सालों से सब लोग यही आशा देके जाते हैं कि हम लोग का घर मिलेगा शौचालय मिलेगा राशन मिलेगा और वो तो कुछ नहीं है जीत जाते हैं किनारे हट जाते हैं कोई सुनता नहीं है गरीबों का कोई नहीं सुनता है अपना कमाना है सवाल नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा वो तो खुद नहीं सुनते सवाल सुनेगा तब कोई सुनेगा बाहर लोग बड़े बड़े लोग सभासद किस पार्टी के सपा के सपा के सुनते नहीं है उनका मतलब रहेगा तब आएंगे बहनी बाबू कहते अपना वोट ले लेंगे तो बहनी जाएंगे तो उसके बाद भूल जाएंगे तो बहनी बाबू जब करते तो आप लोग उनको डांटती रही होगी भैया आए अब तो नहीं दिया जाएगा हम लोग अब नहीं दिया जाएगा उनको अच्छा पिछली बार दे दिया था पिछली बार हम लोग दिया जानते हैं आज ये प्रमाणित हम लोग जलूस में भी वहाँ पर जाया जाता है प्रमाणित करने के लिए वो इतना उल्टा सीधा बोलता है वो बोलते हैं घर में बोल दो घर में नहीं कोई है नहीं है नगर निगम वाले सफाई करने जाते हैं सब तो गाली देते हैं वही राम जनाब यादव क्यों गाली देते हैं सफाई करो वरना नहीं तो बहुत 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 गालियाँ देते हैं सब क्या बताओ लेडीज है बहुत ज्यादा गालियाँ सब हम लोग जलूस में उठे थे इनके साथ तभी लोग टोटी टोटी लगवाए थे माता के जिताए हम लोग हम लोग सब लोग गए थे मोहल्ले सब औरतें लेडीज तक गए थे हम लोग क्या टोटी लगाए हैं क्या बांधो पत्थर माला है वैसे बोला है जाता भैया जनता से ही नहीं टोटी लगा चक्कर का टोटी लगा देंगे तुम लोग का बनवा देंगे नाली बनवा देंगे नाली बन गया शौचालय बन गया हम लोग का अब ये रहिए बच्चे कहा हम लोग सब मिल कर के कर फिर आएगा उनका पारी किस नेता से उम्मीद है उम्मीद है किसी से कि लगता है ऐसे चलता रहेगा घर बन गया संविधा पे हम लोग का क्या बना शहर में कुछ नहीं बना कुछ नहीं होगा वहाँ शहर में हम लोग सफाई करने वाले हम लोग इसी उम्मीद पे है कि कोई तो आएगा कोई कोई तो आएगा हम लोग का घर देगा शौचालय देगा कुछ कोई नहीं आज तक कोई सुना ही नहीं अब तो यहाँ करे बाबू हम लोग को नहीं पहले बनवा देता तब तक वोट दे मैं कहीं जा हम लोग सीधे से हम लोग बोलेंगे पूरा मोहल्ला भर पहले बनवा दीजिए तब वोट देंगे नहीं और तो देना है किसी को नहीं पहले बनवा देते यार वोट हम लोग मत हारा से जीता हम लोग पहले बनवा पहले योगी योगी बाबा कैसे नेता
भले हम लोग ना कुछ करें, हर जगह वो बहुत अच्छा किए, कोई दिक्कत नहीं हुआ तो हम लोग कहां बहुत अच्छा किए, गलत कहे। अब देखिए उनके राज में न मुसलमान न कोई हम लोग को प्रताड़ित किया तो हम लोग कहें गलत कहें, नहीं मतलब ये बात नहीं है। अभी देखिए सपा का सरकार आ जाएगा, देखिए सपा का सरकार आ जाएगा तो कहने का मतलब ये है मुस्लिम मुस्लिम सबसे ज़्यादा हावी होंगे भाई, उनके पार्टी से ज़्यादा हैं हम लोग, ऐसा लगता है आपको? ऐसा होता भी है, पहले हुआ है कभी ऐसा? हम देखिए कहने का मतलब है जब तक यहाँ बाबा रहेंगे तब तक तो मुस्लिम लोग तो प्रताड़ित हिंदुओं को तो नहीं कर सकते हैं। पहले करते थे क्या? नहीं मतलब कह रहे हैं मतलब ऐसा ऐसा क्यों लगता है आपको? जब करते नहीं थे तो मैं लगता है कि कहने का मतलब वो मुस्लिमों से सख्त नफरत योगी जी करते हैं, करते हैं। ये आप लोगों को अच्छा लगता है? ये आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है? देखिए कहने का मतलब ये है वो बात यह है कि वो पता नहीं क्यों मुस्लिमों से अच्छा नहीं मानते हैं, उनको करना चाहिए सर। नहीं योगी जी तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो सबके लिए बराबर बांधते हैं, देखते हैं, सबको ध्यान रखते हैं, इतना तो है उनके अंदर। भले हम लोग के लिए इधर ना करें कुछ भी, मगर हर गांव गांव में हर जगह वो सब गरीबों का बहुत अच्छा किए हैं, बहुत ही अच्छा किए हैं। अच्छा आप कह रहे हमको नहीं मिला मगर बाकी किया है योगी जी ने? हाँ हमको नहीं मिला तो क्या करें, ये ना सब गरीबों को घर दिए है ना, शौचालय दिए, घर दिए, यही बहुत बड़ी बात है। इधर भैया कोई देखने नहीं है, इधर कोई देखने नहीं है। मान लीजिए भगवान करे अगर वो जीत भी जाते हैं उनमें तो हो सकता है भगवान है सुनी जाए, हमें लोग का भी ध्यान दें, हो भी सकता है। चलिए भाई तो इस दलित बस्ती का जो मिजाज हमने देखा वो आपने भी देखा, और लोग कह रहे हैं कि योगी जी काम करा रहे हैं और जगह करा रहे हैं, इनके इलाके में काम नहीं हुआ है, उस बात की नाराज़गी साफ दिखती है। और जैसा कि अक्सर हम जब गांव में बस्तियों में जाते हैं तो लोग शिकायत करते हैं कि चुनाव आते हैं तो नेता आते हैं और चुनाव 5 ही साल हुआ, 50 साल लग जाता है बनाने में, थोड़ा सा समय लगेगा, इतना बड़ा प्रदेश है इतना जल्दी नहीं हो सकता ना कुछ भी। प्रदेश बड़ा है पर यहाँ के तो विधायक सांसद गोरखपुर छोटा नहीं ना है, तो थोड़ा समय लगता है हर चीज़ में, थोड़ा अगर हम मौका नहीं देंगे अगली बार तो फिर कैसे होगा। अब यहाँ के जो लोग भाई मुद्दे हैं जो शिकायत है वो कर रहे हैं, तो हमारी शिकायतें हम उन्हीं से करेंगे ना, इसका थोड़ा ये थोड़ा मतलब उठा के फेंक देंगे, फेंकेंगे नहीं, शिकायत करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन क्या नाम है आपका? आलोक कुमार पांडे नाम है। कहाँ से? मैं सहजनवा विधानसभा। सहजनवा से? तो सहजनवा विधानसभा से हैं और शहर गोरखपुर में मंदिर पूजनीय है, पूजनीय महंत है, बट हमारे कह सकते हैं कि हमको नहीं लगता कि इतना कोई ज्यादा आगे, अब हमारे जिले को विकास नहीं करेगा तो कोई तीसरा आगे विकास कर पाएगा? अब दूसरी पार्टी वाले कहेंगे हमको मौका देके देखिए, वो सबको मौका दिया नहीं गया है, किसको मौका नहीं दिया गया है? गोरखपुर 5 साल पहले क्या था, 5 साल बाद अभी क्या है, खुद देख लीजिए, थोड़ा रोड पे निकलिए, जगह जगह कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, कहीं कुछ बन रहा होगा, कहीं खोदा गया होगा काम होने के लिए, तो कुछ चीज़ें अगर दिक्कत हो जाती तो सबको भी ये भी पता है कि सारी चीज़ें रुक भी जाएंगी, दूसरी पार्टी आएगी उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करेगी, दूसरी पार्टी आएगी उस बार कंटिन्यू नहीं करेगी। ऐसे ही गोरखपुर में घूमिए तो आप कमियां बताते शिकायत करते लोग मिलेंगे, परंतु में जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं ये भी देखने को मिलता है। देखते रहिए दिलालन टॉक।